हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर वन के करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं जहां से प्रश्न बनने की इस बार संभावना है। हमने जो पीडीएफ आपके साथ साझा किया है ये विजन आईएएस या पीटी 365 है, जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पोर्शन है उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें दी गई हैं। आपको जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसे मैंने मार्क कर दिया है, और इसके अलावा भी आप पेन पेपर रख लें हाथ साथ में कि इसमें एडिशनल आपको जब आप इस टॉपिक को कवर करें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें और ऐड करनी है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भारत और उनके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध जब हम देखेंगे तो उसमें इस बार भारत और चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें हम भारत चीन सीमा विवाद, भारत चीन जल संबंध और हांगकांग में नया सुरक्षा नीति, इन तीन चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा आप इसी में नोट कर लीजिए कि अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ विवाद चल रहा है उसका भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कोविड-19 को लेकर जो भारत में एपीआई का इशू है दवाइयों को लेकर, उस एपीआई के जो हम चाइना से आयात करते थे, अगर संबंधों में खराबी आती है तो स्वास्थ्य के हमारे जो दवा वाले सेक्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकी का चीन के साथ जो भारत के संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चीन की डेट डिप्लोमेसी क्या है, यानी कि जो ऋण जाल की कूटनीति है वह क्या है। दक्षिण चीन सागर विवाद, इतने जो पॉइंट हैं आप भारत और चीन संबंधों में कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो संबंध है जिस पर आपको फोकस करना है वह है भारत और नेपाल का संबंध। भारत नेपाल क्षेत्रीय विवाद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा पड़ोसी देशों के साथ संबंध है वो भारत और नेपाल का भारत और बांग्लादेश का संबंध है, क्योंकि बांग्लादेश के आज़ाद हुए 50 वर्ष पूरे हुए हैं और लॉकडाउन के बाद मोदी जी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी, इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बांग्लादेश में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बाद अब्राहम समझौता, यह अब्राहम समझौता अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और जो अरब के अन्य देश हैं उनके मध्य एक समझौता हुआ था। ये समझौता चूँकि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य अभी गाजा पट्टी के क्षेत्र में जो बमबारी शुरू हुई है उसके कारण एक सेंट्रल में आ गया है, इस विषय को आप अच्छे से इस पूरे रीजन को यानी पश्चिम एशिया और भारत के संबंधों को किस तरीके से इजराइल और फलस्तीन में चल रहा वर्तमान विवाद प्रभावित कर सकता है, भारत के तेल आयात को किस तरीके से ये प्रभावित करेगा, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आप इसमें जब आगे आएंगे 1.3 में तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को विस्तार से दिया गया है। सुर्खियों में क्यों है तो बांग्लादेश को भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और वर्ष 2021 में इस युद्ध के 50 वर्ष यानी कि इसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। अब जब भी भारत बांग्लादेश के संबंधों को संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए अगर उसके उत्तर लिखने जा रहे हैं तो उत्तर के मध्य में एक नक्शा जरूर बनाएं। अगर आप पूरा भारत के नक्शे के साथ बांग्लादेश बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो केवल नॉर्थ ईस्ट का एरिया बनाएं जिसमें आप पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के जो अन्य राज्य हैं म्यांमार और ऊपर में चाइना और नेपाल को दर्शा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए कि आप बिना मैप बनाए हुए जो उत्तर है उससे 3 से 4 अंक के लाभ की स्थिति में रहेंगे।
इसके बाद इस आर्टिकल में पूरी चीज़ें कवर की गई हैं, यानी कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हमारे सैन्य सहयोग चल रहे हैं, कनेक्टिविटी को लेकर कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, BVIN का आप उल्लेख कर सकते हैं, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद अन्य जो तथ्य हैं जैसे कि सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग, जल संसाधन, विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, इन सारे चीज़ों को आप इस PDF को पढ़कर राइट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। फिर अगर हम भारत और नेपाल के क्षेत्रीय विवाद के संबंधित में बात करें तो इस विवाद को भी दर्शाने से पहले आप मैप बनाएंगे जिसमें नेपाल को दर्शाते हुए उसमें लिम्पिया धुरा, काला पानी, लिपु लेक, इन क्षेत्रों को दर्शाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ आप सुस्ता बिहार क्षेत्र के संदर्भ में उल्लेख जरूर करेंगे, क्योंकि आप BPSC का उत्तर दे रहे हैं और बिहार से संबंधित अगर कोई मैटर है तो उसका उसमें समावेश करने की कोशिश जरूर करें। सुस्ता विवाद बेसिकली क्या है कि बिहार में सुस्ता गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। दोनों देशों के मध्य विवाद प्रायः गंडक नदी के परिवर्तित प्रवाह के कारण उत्पन्न हुआ है। अगर आप भारत और नेपाल के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं और आपने अगर सिंगोली की संधि का उल्लेख नहीं किया तो आपका उत्तर ऐसे ही अधूरा माना जाता है जैसे आप कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहे हों और रुडोल्फ और रुडोल्फ और रजनी कोठारी की चर्चा ना करें। इसके बाद इन तथ्यों को भी आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में ताकि जब आप लिखने चलें तो आपके पास कुछ तथ्य हों, जैसे भारत और नेपाल के मध्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ चल रही हैं, कमला और बागमती बहुद्देशीय परियोजनाएँ, सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना, करनाली बहुद्देशीय परियोजना, भारत और नेपाल की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है, इसकी लंबाई कितनी है, कुछ मधेसी का जो इशू है उस इशू के बारे में बता सकते हैं, भारत नेपाल के लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, चीन की तुलना में भारत की तरफ से समुद्री व्यापार करना नेपाल के लिए क्यों ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद जो कहा जाता है कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, इन चीज़ों का उल्लेख भारत नेपाल संबंध जब भी लिखें तो जरूर करें। भारत और पश्चिम एशिया इस बार बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के लेकर जो वर्तमान में विवाद चल रहा है, चाबहार संबंधित ऑलरेडी BPSC ने प्रश्न पूछ रखा है, फिर भी आप एक बार इस टॉपिक को संक्षिप्त में देख लेंगे। अगर प्रश्नों को पुनरावृत्ति होती है या प्रश्न की प्रकृति को घुमाकर पूछा जाता है तो आपके पास कंटेंट लिखने की स्थिति में आप रहें। अब्राहम समझौता, अब्राहम एकॉर्ड बेसिकली है इसराइल, UAE और बहरीन ने अमेरिकी मध्यस्थता वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध स्थापित करना है। समझौते के अनुसार UAE एवं इसराइल औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे तथा बदले में इसराइल अधिकृत वेस्ट बैंक की बस्तियों को इसराइल में जोड़ने की अपनी योजना को स्थगित कर देगा। एक चीज आप याद रखेंगे कि इसराइल और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके मैप को आप एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, इसे आप बार बार बनाकर प्रयास करें। फिलिस्तीन वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, हमास का जो एरिया है यानी गाजा का क्षेत्र वो किधर स्थित है, इसके बाद पूर्वी जेरूसलम, पश्चिमी जेरूसलम की लोकेशन क्या है, गोलान हाइट पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, हिजबुल्ला और हमास को किन संगठनों के द्वारा मदद की जाती है, इस क्षेत्र में यानी कि फिलिस्तीन और इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय जो महाशक्तियां हैं यानी अमेरिका, रूस, चीन, वे किस तरह से हैं, उनका क्या हित है इस क्षेत्र में,
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें, जैसे 1948 में फिलिस्तीन और इसराइल का विभाजन, इसके बाद 1967 में इसराइल के द्वारा फिलिस्तीन्स पे हमला कर कर इसके अधिकतम क्षेत्रों को क्या किया गया, अपने में मिला लिया गया। इसके बाद आप टू नेशन जो थ्योरी है वह क्या है इसे देख लेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरू से लेकर वर्तमान समय तक क्या भूमिका रही है, और जो अरब राष्ट्र हैं वही दो हिस्सों में किस तरीके से बटे हुए हैं, इस चीज़ का भी आप एक बार अध्ययन कर लेंगे। साथ ही साथ आप अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहते हैं तो ऑटोमन साम्राज्य जो है वो किस तरीके से था, सिल्क रूट किस तरीके से था, और इन चीज़ों का भी फिलिस्तीन और इसराइल के जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उसमें किस तरीके से ये चीज़ें भूमिका के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसे भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा पश्चिम एशिया में इसराइल और फिलिस्तीन का संबंध। अगर इससे आपको प्रश्न पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स याद रखने हैं, जो महाशक्तियाँ हैं उनकी क्या भूमिका है, इवेनो की क्या भूमिका है, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो उनका कौन सा धड़ा किस धड़े को समर्थन करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें भारत की क्या नीति होनी चाहिए, भारत क्यों नहीं इसराइल या फिलिस्तीन कि दोनों में से किसी को खुलकर सपोर्ट करता है, यानी कि दोनों के पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, इन तर्कों को भी आपको राइट डाउन करना है। यानी कि किसी भी तरीके से पश्चिमी एशिया से एक प्रश्न पूछे आपसे तो आप उसके उत्तर लिखने की स्थिति में आराम से होंगे। तो बाकी की जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तब इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।